हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज के इस भगवद गीता क्लास में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 4 श्लोक संख्या 30 और 31। इन दोनों श्लोकों में भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं या अर्जुन के माध्यम से हमें क्या सिखा रहे हैं, यह हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। तो श्लोक इस प्रकार है। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। आइए इसके शब्दार्थ को जाने। सर्वे अर्थात सभी, अपि मतलब ऊपर से भिन्न होकर भी, जो ऊपर से भिन्न है लेकिन अंदर से एक है, एते ये यज्ञ विदः यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, यज्ञ क्षपित यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ, कल्मशः पाप कर्मों से, यज्ञ शिष्ट ऐसे यज्ञ करने के फल का, अमृत भुजः ऐसा अमृत चखने वाले, यान्ति जाते हैं ब्रह्म परम ब्रह्म सनातनम नित्य आकाश को। भावार्थ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इससे पहले के श्लोकों में भगवान ने जिन यज्ञ करने वालों की व्याख्या की है या जितने प्रकार के यज्ञों की व्याख्या की है, उनको करने वाले चूंकि यज्ञों का अर्थ समझ गए हैं, यज्ञों का अर्थ जानने लगे हैं, इसलिए वे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। परम दिव्य आकाश की ओर, जो उनको भगवान की ओर लेकर जाता है। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें किस तरह से इस श्लोक का अर्थ समझा रहे हैं। परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों, जैसे कि हमने पीछे कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन पढ़ा है, जैसे द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तो इनकी व्याख्या से ये समझ में आ जाना चाहिए अब कि इन सबका उद्देश्य एक ही है। और इन सबका उद्देश्य क्या एक है? अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, इंद्रियों का निग्रह करना। इंद्रियों को, अगर हमने इंद्रियों के लगाम अपने हाथ में थाम ली है, तो वही इन यज्ञों का उद्देश्य है। इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति ही जो है वो भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अगर इस भौतिक जगत में हम रहते हैं तो इंद्रिय तृप्ति हमारा एक मुख्य उद्देश्य होता है, इसीलिए कहा गया है ये मूल कारण है अस्तित्व का। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए, जब तक कि हम इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर दूसरे धरातल पर, मतलब आध्यात्मिक धरातल पर ना पहुंचे, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। प्रभुपाद यहां बताते हैं, इस अर्थ को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमें पहले इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है और उसके बाद हमें उस आध्यात्मिक स्तर पर जाकर स्थित होना है जहां की सच्चिदानंद हमें उपलब्ध होगा, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का है और भगवान हमारे अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में बैठे हुए हैं, तो हमें भी वो सच्चिदानंद का आनंद मिलना चाहिए। और ये धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है, यहां नहीं है, ये इस भौतिक जगत में नहीं है, इसीलिए हमें इसे छोड़कर आगे बढ़ने का, आगे जाने का प्रयास करना है और उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। मतलब ये जो सारे प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, इनसे हम सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी होता है, मनुष्य को सुख प्राप्त होता है इस तरह की जब प्रगति करता है, और वो ऐश्वर्यवान बनता है, उसको ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और अंत में वो निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। और यही हर एक जीव का उद्देश्य है कि भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त किया जाए। लेकिन यहां जो तरीका बताया गया है, जो रीति बताई गई है, जो परंपरा बताई गई है, वो क्या है कि हमें पहले इंद्रियों पर निग्रह करना है। श्रील प्रभुपाद इसीलिए बहुत जोर देते हैं,
उनके बहुत सारे लेक्चर्स में, बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारे लेखों में जगह जगह उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा सोलह माला जब भी नहीं होगा। तो ये इंद्रियों का निग्रह बहुत आवश्यक है, तब हम कहां पहुंच सकते हैं, भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जो हर एक जीवात्मा का एक लक्ष्य होना चाहिए। आइए अब इस श्लोक को थोड़ा और गंभीरता से समझते हैं। हमें इसे ऐसे समझना चाहिए कि जैसे यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है, तो आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप आहुति देने से पहले अलग अलग होते हैं, लेकिन जब अग्नि में आहुति दे देते हैं तो उसके बाद सभी रूप एक जैसे हो जाते हैं, कोई अलग नहीं रहता। तो सभी वस्तुएं जो भी हमने आहुति दी वो अग्नि को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का हम यज्ञ रूप में उपयोग करते हैं, तो उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग कोई सत्ता नहीं रहती है, अलग से कोई उनकी उनका कोई स्टेटस नहीं रहता है, वो सब भगवान को समर्पित हो जाती है, स्वाहा हो जाती है। और जब तक उनकी अलग से सत्ता बनी रहती है, अलग से स्टेटस बना रहता है, तब तक वास्तव में उनकी आहुति नहीं होती है, यज्ञ का अनुष्ठान नहीं होता है। जब हम अग्नि में भगवान को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अग्नि के माध्यम से खाता हूं, अग्नि के माध्यम से प्राप्त करता हूं, तो ये बहुत ही उत्तम बात है कि यहां हमें अपने जो इंद्रियों का, जो भोग विलास का, जो विलासिता का, जो भी लोभ है, उस सबको समर्पित कर देना है, कामनाओं का, वासनाओं का, इच्छाओं का, वो सब समर्पित कर देना है, कहां, भगवान के श्री चरणों में। और फिर उसके बाद स्वतंत्र होकर, पराधीन नहीं है फिर, हम इंद्रियों के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र हो गए, भगवान की सेवा में हमें लग जाना चाहिए। तो अब हम लेते हैं श्लोक संख्या 31, अध्याय 4, श्लोक संख्या 31। नायम लोको असत्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। आइए शब्दार्थ देखते हैं। ना अर्थात कभी नहीं, अयम ये है, लोका लोक, अस्ति है, अयज्ञस्य यज्ञ न करने वाले का, कुता कहाँ है, अन्य अन्य, कुरु सत्तमा जिसके लिए बोला गया है, कुरु सत्तमा हे कुरुश्रेष्ठ, किसके लिए कह रहे हैं भगवान, अर्जुन के लिए। तो यहां भावार्थ में हम इसे समझते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन के लिए भगवान संबोधित करते हैं, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, ना इस लोक में ना इस जीवन में, जो एक जीवन उसे मिला है, तो जब यहां ही सुखी नहीं रह सकता है तो फिर अगले जन्म में कैसे सुखी रहे, तो फिर अगले जन्म में कैसे सुखी रह सकता है। भगवान बड़ा स्पष्ट तौर पर यहां अर्जुन के लिए सलाह दे रहे हैं और कहते हैं कि जब इस लोक में या इस जीवन में यज्ञों के बिना संभव है ही नहीं सुख का, तो फिर सुख की संभावना अगले जन्म में कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसको विस्तार से श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। जब तक इस सृष्टि में वो जीवन यापन करता है, तो उसे अपना वास्तविक स्वरूप का पता नहीं होता, क्योंकि वो भौतिक जीवन, भौतिक इच्छाएं और अपनी इंद्रियों का भौतिक उपयोग बस उन्हीं में ही डूबा रहता है। इसलिए उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता कि वो कौन है, वो उसका एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है, उसे उसका ज्ञान नहीं होता। तो दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। हम पापपूर्ण जीवन जीते हैं, अगर हम आध्यात्मिक रूप से जीवन नहीं जी रहे हैं तो भौतिक जीवन हमारा पापों से पूर्ण है। भौतिक जगत में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो कि पाप के बिना हो, और उनके जो कई गुना मल्टीप्लाइड जो फल हैं, उनके कारण हमारा अस्तित्व बना है। तो अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है, हमें ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए भगवान ने ज्ञान योग दिया। हमारा अज्ञान होना,
अज्ञानता में होना कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं इस धराधाम पर, भगवान से हमारा क्या संबंध है, जब तक हम ये नहीं समझ पाते तब तक हमारा जीवन पापपूर्ण रहेगा। और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। भौतिक जगत का अस्तित्व क्या है? हमने उल्टा सीधा पैसा कमाया, कोई पद प्राप्त कर लिया, कोई राजनीतिक स्थान प्राप्त कर लिया और अपना जीवन बहुत ऐशो आराम से जी रहे हैं, ऐसा लगता है कि बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन भगवान से उनका क्या संबंध है? भगवान ने उन्हें क्यों यहां भेजा है इसका उनको कोई सरोकार नहीं है। तो मनुष्य जीवन ही वो द्वार है, वो गेट है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन है ना, वो बंधन इस मनुष्य जीवन में ही हम तोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं तोड़ सकते। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। वेद हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को करना चाहिए। अगर हम उन व्यवस्थाओं को पालन करते हैं, उन व्यवस्थाओं का पालन करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर वो स्थान मिलेगा जिसकी हमें वांछना है, जो हमारे लिए वांछनीय है। धर्म या जो पहले बताए गए हैं अनेक प्रकार के यज्ञ, ये हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। अगर हम धर्म पर चले, धर्म का पालन करें और यज्ञों का यज्ञों में आहुति दें तो निश्चित तौर पर हमारी आर्थिक समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर मात्रा में भोजन, प्रचुर मात्रा में दूध, अन्न सब मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत सारे यज्ञ करते रहेंगे तो सारा अन्न और सामग्री, फल वगैरह सब स्वाहा हो जाएंगे। नहीं, भगवान ने हमें प्रचुर मात्रा में दिया हुआ है सब कुछ, लेकिन हम उनका बराबर सही तरह से दोहन नहीं कर पाते हैं। और जब हम दोहन नहीं करते हैं तो हम तकलीफ में आते हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत की और चीजों का दोहन करने लगते हैं। प्रकृति ने जो हमें दिया है, भगवान ने जो हमें दिया है जीवन यापन के लिए, हम उसका पालन नहीं करते हैं। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो गई तो हम इंद्रियों को तुष्ट करने में लग जाते हैं कि हमारी आंखों को क्या चाहिए, बड़ा एक बिग स्क्रीन टीवी चाहिए, कानों को क्या क्या चाहिए, बहुत बड़ा मल्टी स्पीकर सिस्टम चाहिए। ये सब चीजें क्या है? ये हमारी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। वेदों में ऐसा विधान किया गया है कि अगर आपको इंद्रिय तृप्ति करनी है तो विवाह कर लीजिए, वैवाहिक जीवन जीजिए और आराम से उस जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, हमारे आश्रम है ना, चार प्रकार के आश्रम है, उनमें गृहस्थ आश्रम भी है, गृहस्थ आश्रम में रहिए, विवाह करिए, संतान उत्पत्ति करिए और भगवान की सेवा में लगाइए, उस संतान को इस योग्य बनाइए कि वो भगवान की सेवा कर सके। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। मुक्त जीवन जो फ्री लाइफ है आपकी, वो क्या है? वो जब तक आप परमेश्वर को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक आप फ्री लाइफ में नहीं है, आप कंडीशनड लाइफ में है। कंडीशनड लाइफ का मतलब है कि आप बहुत सारी चीजों से बंधे हुए हैं भौतिक जगत की, और जब आप इन बंधनों से दूर निकल जाते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जा सकती है। यज्ञ अगर आप संपन्न कर रहे हैं तो यह पूर्णता आपको मिल जाएगी, पूर्णता आप परफेक्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि जब हम यज्ञों का वर्णन कर रहे थे तब हमें भगवान ने बताया था, फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि सहमत नहीं हो सकते, तो अगर वो सहमत नहीं है, तत्पर नहीं है, तो वो शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकते हैं कि शरीर में मुझे सुखी जीवन मिलेगा? जब तक कि आप भगवान के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं और यज्ञों से आपको वो सुविधा नहीं मिल रही है, वो सुख नहीं मिल रहा है, फिर दूसरे लोक में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा करना तो व्यर्थ है। भगवान यही कहते हैं, जब वो इस जीवन में, इस लोक में यज्ञ नहीं कर रहा है और उसके सुख को प्राप्त नहीं कर रहा है तो दूसरे जीवन में या दूसरे लोक में उसको क्या करने वाला है, कुछ गारंटी नहीं, और उसकी आशा करना व्यर्थ है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं,
जो उच्च लोक हैं, स्वर्ग लोक, उनमें बहुत सारी सुविधाएं हैं और उनकी कल्पना करके हम सोचते हैं कि हमें स्वर्ग मिलना चाहिए, लेकिन क्या वास्तविक तौर पर आपका स्थान स्वर्ग में है? नहीं, आपका स्थान उससे भी उच्च है, लेकिन उसके हम कल्पना भी नहीं करते। तो जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, लेकिन जो यज्ञ नहीं करते उनको भौतिक जगत में भी कष्ट मिलते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है? सर्वश्रेष्ठ सुख है जिसे मनुष्य कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास के द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है, भगवान के धाम जाकर प्राप्त करता है, वैकुंठ धाम जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित होना यही जीवन है और इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है कि हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं और भगवान की सत्ता को स्वीकार करें, भगवान के सेवक बन जाएं, भगवान की सेवा करें, चाहे हम किसी रूप में करें, चाहे सखा के रूप में करें, पति के रूप में करें, प्रेमी के रूप में करें, पिता के रूप में करें, बच्चे के रूप में करें, जिस तरह से करें, अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी सारी समस्याओं का हल प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel and for getting updates, press the bell icon.